नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि बच्चों की प्रशंसा कब और कैसे करें। जी हाँ, बच्चों की प्रशंसा करना भी बहुत जरूरी होता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उन्हें काम करने की प्रेरणा मिलती है। ध्यान रखिए कि जब भी हम बच्चे की प्रशंसा करें तो सिर्फ उसके द्वारा अर्जित सफलता की प्रशंसा नहीं करनी है, बल्कि हमें उसकी मेहनत की, उन तरीकों की जिसके द्वारा उसे सफलता प्राप्त हुई है, हमें उसकी प्रशंसा करनी है। जैसे कोई बच्चा है, वो कोई पजल सॉल्व करता है, तो हमें सिर्फ ये नहीं कहना है अरे वाह वेरी गुड आपने कर लिया, नहीं, बल्कि हमें कहना है अरे वाह आप पिछले 1 घंटे से मेहनत कर रहे थे बेटा, लेकिन देखो कर दिखाया। या फिर अरे वाह आप तो ये 2-3 तरीके से पजल सॉल्व कर लेते हो, वेरी गुड। तो इस तरह करने से क्या होता है कि बच्चा जो है वो सफलता को मेहनत से जोड़कर देखना सीख जाता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं, अगर जीवन में कभी उन्हें हार का सामना करना पड़ा तब वो घबराते नहीं है, बल्कि वो सोचते हैं मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह गई, वो अपनी मेहनत को बढ़ा देते हैं, क्योंकि मेहनत तो ऐसी चीज है जो हमारे वश में है, हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, प्रशंसा करते समय एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपकी प्रशंसा जो है वो पॉजिटिव ही काम करे, नेगेटिव नहीं। अब आप सोचेंगे प्रशंसा और नेगेटिव ये कैसे? देखिए, अगर किसी बच्चे ने 3 दिन में साइकिल चलाना सीखा, उसके पापा बहुत खुश हैं कि अरे वाह 3 दिन में साइकिल चलाना सीख लिया, लेकिन उसके पापा उससे कहते क्या है, वेरी गुड 3 दिन में साइकिल सीख लिया, लेकिन सुनो तुम्हारी दीदी ने 1 ही दिन में सीख लिया था। अब ये क्या हो गया, ये तुलनात्मक प्रशंसा हो गई, और कहीं ना कहीं आपने बच्चे की प्रशंसा तो की, लेकिन बच्चा उसके बावजूद जो है वो थोड़ा सा निराश हो गया कि अरे मैंने 3 दिन में दीदी 1 दिन में सीखी थी। बल्कि उसके पापा अगर सिर्फ इतना कहते वाह बेटा मात्र 3 दिन में साइकिल चलाना सीख गए, इतना सफिशियंट था। जो तुलनात्मक प्रशंसा है कभी भी वो नहीं करनी है। और हमें किस चीज से बचना है, कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे की इतनी प्रशंसा करते हैं कि पूछिए नहीं। बच्चे ने छोटा सा भी काम किया, अरे वाह शाबाश क्या कर दिखाया मेरे लाल, तो उससे होता क्या है कि बच्चा अच्छा कर रहा है तब भी प्रशंसा, बुरा कर रहा है तब भी प्रशंसा, कुछ कर रहा है बस उसको जब देखो तब शाबाशी मिल रही है। अब बच्चा जो है वो सोचता है यार 90% लेके आओ तब भी, अगर 33% लेकर आओ पास हो जाओ तब भी, अच्छी ड्राइंग बनाओ तब भी, थोड़ी खराब बनाओ, मेरे पापा मम्मी तो वो कभी कुछ बताते ही नहीं है, जब देखो तब हर चीज में खुशी है। तो अब उसके अंदर क्या होगा, जो काम करने की लगन होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इससे भी बचना है, ईमानदारी से प्रशंसा करना सीखिए, उसकी कमियां भी साथ साथ में हमें बताते चलना है। तीसरी चीज ये है कि जब भी आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो थोड़ा उसको समय दीजिए और थोड़ा विस्तार से उसकी प्रशंसा करिए। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर किसी बच्चे ने किसी वेस्ट मटेरियल से, मानिए कोई प्लास्टिक बॉटल खराब पड़ी थी, कुछ टूटी फूटी चूड़ियां थी, मिट्टी थी, इनकी सबकी सहायता से एक फ्लावर पॉट बनाया, उसने हमें दिखाया बहुत प्यार से कि देखिए मैंने बनाया है वेस्ट मटेरियल से, अब हमने खाली कहा अरे वाह बहुत सुंदर है या वाओ, बस इतने में खत्म नहीं। अब अगर क्या किया हमने, उसको देखा ध्यान से, अरे वाह ये तो टूटी हुई चूड़ियां यूज कर ली हैं, ओ ये प्लास्टिक की बॉटल मेरे घर में भी इतनी सारी पड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं ऐसे समझ में आया कि हम ऐसे बना सकते थे। अब देखिए बच्चे का जो है मनोबल ज्यादा बढ़ेगा, वो ज्यादा खुश होगा, वो सोचेगा अरे देखो मेरे काम को कितनी बारीकी से देख रहे हैं। अब साथ साथ आपको अगर कहीं पे लगता है कि नहीं ये कुछ और इम्प्रूव हो सकता है, तो आप अपनी बात भी रखिए कि बेटा ये बना बहुत सुंदर, ये कलर कॉम्बिनेशन अगर इसके बजाय ऐसा होता तो और अच्छा लग सकता था। बच्चा आपकी बात को बहुत पॉजिटिवली लेगा, अगली बार वो फिर से ट्राई करेगा, आपको फिर से दिखाएगा कि देखिए इस बार मैंने ऐसा बनाया है। तो थोड़ा सा जो है विस्तार से, कोई रिपोर्ट कार्ड खाली दिखा रहा है बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आया है सेकेंड आया है, तो केवल ये नहीं अच्छा फर्स्ट आए हो अरे वाह वेरी गुड कीप इट अप, इतना नहीं करना है। आप थोड़ा समय दीजिए, अरे वाह मैथ्स में इतने मार्क्स हैं बहुत अच्छा, अरे साइंस में कितना अच्छा किया है, मेरे इतने अच्छे नहीं आए थे कभी, थोड़ा सा इस तरह से बोल दिया ना, अब बच्चे को लगा कि हाँ देखा है, वो दुगनी ऊर्जा से मेहनत करेगा। तो ये कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपने बच्चों की, दूसरे के बच्चों की, किसी भी बच्चे की
प्रशंसा करते हुए ध्यान में रखनी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।